तो इस पर स्नो कहता है कि इफ़ आई वर यू सर, यदि मैं आपकी जगह पर होता सर, आई शुड लेट थिंग्स टेक केयर टेक देयर कर्स, तो मैं चीज़ों को उनके तरीके से होने देता, इट इज़ नॉट लाइकली दैट देयर विल बी मच डिफ़िकल्ट, और इस तरीके की बातों का होना ज़्यादा कठिन नहीं होता, दीज थिंग्स आर वेरी क्विक सेटल्ड, इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो बड़ी जल्दी सेटल हो जाती हैं। इस पर बार्थ कहता है डाउटफुली, यू थिंक सो, तुम ऐसा सोचते हो। तो इस पर जैक जो होता है राउजिंग हिमसेल्फ, थोड़ा गर्मजोशी दिखाता हुआ, आई से मैं कहता हूँ कि व्हाट सेल आई हैव टू स्वेयर टू, कि मुझे वहाँ किसकी कसम खानी पड़ेगी। तो इस पर स्नो कहता है दैट इज बेस्ट नोन टू योर सेल्फ सर, ये तो आप ही को बेहतर पता होगा सर। रिट्रीटिंग टू द डोर, बेटर एम्प्लॉय अ सॉलिसिटर सर, और वो कहता है कि अच्छा होगा अगर आप इसके लिए एक वकील रख लें, इन केस एनीथिंग शुड अराइज, क्योंकि केस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी सेल हैव द बटलर टू प्रूव द लॉस ऑफ द आर्टिकल, वी सेल हैव द बटलर, हमारे पास एक बटलर भी होना चाहिए, हमारे पास एक नौकर भी होना चाहिए टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए द लॉस ऑफ द आर्टिकल, कि जो वस्तु हमारी खोई है इस खोई हुई बात को सिद्ध करने के लिए। यू विल एक्सक्यूज मी गोइंग, और इसके बाद आई एम रेदर प्रेस्ड टू नाइट, वो जाने के लिए क्षमा मांगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं रात का बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। द केस मे कम ऑन एनी टाइम आफ्टर 11, द केस मे कम, और ये जो केस है वो किसी भी समय पर आ सकता है 11 बजे के बाद। इसके बाद गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, दोनों से गुड इवनिंग करता है। आई सेल हैव टू प्रोड्यूस द बॉक्स इन कोर्ट टुमारो, और वो कहता है कि आई सेल हैव टू प्रोड्यूस, कि मुझे प्रोड्यूस करना होगा द बॉक्स, ये बॉक्स इन कोर्ट कोर्ट में टुमारो, कि कल मुझे ये जो बॉक्स है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, कोर्ट में देना होगा। सो इफ़ यू विल एक्सक्यूज मी सर, आई मे एज वेल टेक इट विद मी, यदि आप अगर चाहें आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूँगा। ही टेक्स द सिल्वर बॉक्स एंड लीप्स देम विद अ लिटिल बो, वह सिल्वर बॉक्स को लेता है और दोनों को झुकते हुए जाने की इजाज़त मांगता है। तो इस पर जो बार्थिक होता है मेक्स अ मूव टू फॉलो हिम, थोड़ा थोड़ा उसके पीछे जाता है, हलचल करता है उसके पीछे बढ़ता हुआ। देन डैसिंग हिज हैंड्स, डैसिंग रखते हुए, हिज हैंड्स बीनीथ हिज कोट टेल्स, और कोट जो होता है जो अपन लोग कोट पहनते हैं उसमें जो पीछे हल्का सा जो लूज होता है बीच में से, तो उसको कोट टेल्स कहते हैं। तो कोट टेल्स के पीछे अपने हाथों को रखता हुआ स्पीक्स विद डेस्परेशन, और निराशा में बोलता है, अपनी पत्नी से कहता है ये जो सारी बातें हैं वो निराशा में। तो बार्थिक क्या कहता है कि आई डू विश यू वुड लीव मी टू मैनेज थिंग्स माई सेल्फ, बहुत अच्छा होगा अगर तुम अब सारी बातों को मुझे मैनेज करने दो, यानी सारी बातें तुम अगर मुझ पे छोड़ देती हो तो ये बहुत अच्छा होगा। यू विल पुट योर नोज इन टू मैटर्स यू नो नथिंग ऑफ, और वो कहता है कि यू विल पुट योर नोज इन टू मैटर्स, तुम मामलों में अपनी जो टांग अड़ाती हो, यू नो नथिंग ऑफ, तुम जानती कुछ नहीं हो, ए प्रेटी मैस यू हैव मेड ऑफ दिस, और ये जो सारी गड़बड़ है वो तुमने करी है। तो इस पे मिसेज वार्थिक कोर्ली थोड़ा सा शांति दिखाते हुए बोलती है, आई डोंट इन द लीस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती एटलीस्ट कम से कम, यानी मैं कम से कम इतना तो नहीं जानती व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि तुम किसके बारे में ये बात कह रहे हो, यानी तुम ये कह रहे हो कि मैं हर मामले में अपनी टांग अड़ाती हूँ, ये सारी गड़बड़ मैंने करी है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इफ़ यू कांट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, और साथ में वो थोड़ा सा ब्लेम भी करती है कि यदि तुम अपने सिद्धांतों के लिए, सॉरी अपने अधिकारों के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, आई हैव नो पेशेंस विद योर प्रिंसिपल्स, तो तुम्हारे सिद्धांतों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। इट इज़ सच नॉनसेंस, और इस तरीके से बातें करना तो बिल्कुल मूर्खता की बातें हैं। तो इस पर जो बार्थिक होता है वो कहता है कि प्रिंसिपल्स, गुड हेवंस, सिद्धांत, अरे वाह, वॉट हैव प्रिंसिपल्स टू डू विद इट फॉर गुडनेस सेक, यहाँ प्रिंसिपल से तुम्हारा प्रायोजन क्या है,
यानी यहाँ तुम सिद्धांतों की क्या बात करती हो, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती दैट जैक वॉज ड्रंक लास्ट नाइट, कि जैक कल रात को नशे में था, जैक दारू पिए हुए था, क्या तुम इतना भी नहीं जानती? तो यहाँ सिद्धांतों की क्या बात आ गई? इस पर जैक जो होता है वो कहता है डैड, यानी उसे थोड़ा ये बुरा लगता है, तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए, तो इस पर मिसेस बार्चिक जो होती हैं वो थोड़ा सा क्रोधित हो जाती हैं इतनी सारी बात से, तो उस क्रोध को अपने लड़के पर दिखाती हूँ इन हॉरर राइजिंग, थोड़ा सा डर दिखाते हुए कहती हैं जैक, तो जैक भी कहता है लुक हियर मदर, देखो माँ, आई हैड सपर, मैंने खाना खाया, एवरीबडी डस, हर कोई खाता है, आई मीन टू से यू नो वॉट आई मीन, मेरा कहने का ये मतलब है, तुम जानती हो कि मेरा क्या मतलब है, इट इज़ एब्सर्ड टू कॉल इट बीइंग ड्रंक, और ये बिल्कुल बेतुकी बात है कि तुम इसको शराब पीने का नाम दो, यानी यहाँ वो सीधे सीधे ये कहना चाहता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जितनी हम लेते हैं मैंने उतनी ली, और तुम अगर इसे शराब पीने का नाम देती हो तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। एट ऑक्सफोर्ड एवरीबडी गेट्स अ बिट ऑन समथिंग, और ऑक्सफोर्ड में एवरीबडी गेट्स अ बिट, हर किसी को इस तरीके से, यानी हर कोई इस तरीके से करता हुआ मिलता है, तो इस पर मिसेस वाल्ट्रिक कहती हैं वेल आई थिंक इट इज मोस्ट ड्रीडफुल, मेरे विचार से ये बहुत खतरनाक है, इफ दैट इज रियली वॉट यू डू एट ऑक्सफोर्ड, और वो ये भी कहती है कि क्या वास्तव में तुम ऑक्सफोर्ड में यही करते हो, तो इस पे जैक एंग्रीली थोड़ा सा क्रोध दिखाते हुए कहता है कि वेल वाई डिड यू सेंड मी देयर, कि अगर तुम्हें ये करने पर एतराज है तो वाई डिड यू सेंड मी देयर, तुमने मुझे वहाँ भेजा ही क्यों, वन मस्ट डू एज अदर फेलोज डू, कोई आदमी वो करता है जो उसके अन्य साथी करते हैं, तो इट इज़ सच नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है, आई मीन टू कॉल इट बींग ड्रंक, और क्या कि इसे तुम शराब पीने का नाम देती हो, तो ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है, ऑफ कोर्स आई एम ए फुल सॉरी, और निश्चित रूप से मुझे इस बात के लिए दुख भी है, आई हैव हैड सच अ बेस्टली हेडक ऑल डे, दिन भर इस बात की वजह से मेरे सिर में दर्द भी रहा, तो इस पर जो बार्थिक होता है वो कहता है कि अच्छा इफ़ यू हैड ओनली हैड द कॉमन डिसेंसी, क्या तुम्हारे अंदर कोई सामान्य सी शिष्टता है टू रिमेंबर, ये याद करने की कि वॉट हैपन्ड वैन यू केम इन, कि जब तुम आए तब क्या हुआ, Then we should know what truth there was in what this fellow says. तब हम ये जान पाते कि what truth there was, इसमें क्या सत्य था in what this fellow say, कि ये जो तुम्हारा साथी है जो ये कहता है इसके कहने में क्या सत्य है, हमें ठीक से पता लग जाता, as it is all the most confounded darkness. और वो ये भी कहता है कि ये सब कुछ एक गहरे अंधकार में लगता है, यानी सब कुछ गहरे अंधकार में, वो जो कह रहा है वो ठीक से समझ नहीं आ रहा, अगर तुम नशे में नहीं होते तो हमें ठीक से पता लग जाता कि सब कुछ क्या हुआ, तो इस पर जो जैक होता है वो स्टेयरिंग एज दो एज हाफ फॉर्म्ड विजन, और थोड़ा सा इस तरीके से देखता है जैसे वो आधे होश में होता है और आधा सा सपने में देखता है, दृष्टि को इस तरीके से दिखाते हुए, आई जस्ट गेट एंड देन इट इज़ गॉन, यानी उसे थोड़ा सा याद, ये जो डॉट 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 लगे हुए हैं इसका मतलब उसे हल्का सा याद आता है, वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन पूरी बात याद नहीं कर पाता। इसके बाद जो मिसेस वार्चिक होती हैं वो जैक डू यू मीन टू से यू वर सो टिप्सी, इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा नशे में धुत थे, यू कांट इवन रिमेंबर, कि तुम याद भी नहीं कर सकते, तुम्हें याद नहीं है लेकिन अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो याद तो आना चाहिए लेकिन तुम याद भी नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा नशे में थे। तो इस पे जो जैक होता है वो कहता है कि लुक यर मदर, देखो माँ, ऑफकोर्स आई रिमेंबर, हाँ मैं याद कर सकता हूँ, याद करता हूँ, आई केम, आई मस्ट हैव कम, मैं आया, यानी वो कहना चाहता है, बातों को इस तरीके से कहता है लेकिन उसे याद नहीं आता। तो इस पे वार्षिक कहता है अनगार्डेडली, थोड़ी विचारहीनता से, एंड वॉकिंग अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे से वॉक करता हुआ, टचा अच्छा, एंड दैट इन्फर्नल पर्स, और वो परेशान करने वाला पर्स, क्या तुम्हें कुछ वो याद है, गुड हीवंस, अरे वाह, इट विल गेट इनटू द पेपर्स, अब ये सब कुछ पेपर में भी छपेगा, हु ऑन अर्थ कुड हैव फोरसीन अ थिंक लाइक दिस, कौन इस प्रकार की बातों का अनुमान लगा सकता है,
बेटर टू हैव लॉस्ट अ डजन सिल्वर बॉक्सेस, अच्छा होता कि एक दर्जन सिल्वर बॉक्स खो जाते। यानी इस तरीके की बातें पेपर में नहीं छपती, उससे अच्छा बेशक एक दर्जन सिल्वर बॉक्स और खो जाते। एंड सेड नथिंग अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कि इट इज़ ऑल योर डूइंग, ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। आई टोल्ड यू सो फ्रॉम द फर्स्ट, मैंने ये सारी बातें तुम्हें पहले से बताई। आई विश टू गुडनेस रोपर वुड कम, बहुत अच्छा होगा अगर रोपर जल्दी आ जाए। तो इस पे जो मिसेस वार्थिक होती हैं वो शार्पली, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जोन, मुझे नहीं पता जोन कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वार्थिक कहता है टर्निंग ऑन हर, उसकी ओर थोड़ा सा मुड़ते हुए, नो यू डोंट नो एनीथिंग, नहीं नहीं तुम तो कुछ भी नहीं जानती हो। शार्पली, वेयर द डेविल इज रोपर, वो बदमाश रोपर कहाँ है। If he can see a way out of this, he is better man than I take him for. वही केवल एकमात्र ऐसा आदमी है जो इससे बाहर निकलने का तरीका हमें अच्छे से बता सकता है। I defy anyone to see a way out of it. मैं उपेक्षा करता हूँ और किसी भी व्यक्ति की इससे बाहर निकालने के लिए। I can't, यानी मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो जैक जो होता है, लुक ही है, डोंट एक्साइट डैड, इधर देखो ज़्यादा उत्तेजित मत हो। आई कैन सिंपली से आई वॉज टू वेस्टली टायर्ड, आई कैन सिंपली से मैं सामान्य रूप से यह कह सकता हूँ कि आई वॉज टू वेस्टली टायर्ड एंड डोंट रिमेंबर एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई केम इन, और मुझे केवल इतना याद रह गया है कि मैं अंदर आया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। इन अ डाइंग वॉइस, और थोड़ी सी आवाज़ को धीमे करता हुआ, वेंट टू बेड द सेम एज यूजुअल, अंदर आया और उसके बाद थोड़ा सोचता है और कहता है, और बिस्तर पे चला गया एक सामान्य से, जिस तरीके से रोज करता हूँ सामान्य तरीके से मैं बिस्तर पे चला गया। तो इसमें वार्षिक कहता है कि वेंट टू बेड, बिस्तर पे चले गए, प्रश्न करते हुए कहता है, हु नोज वेयर यू वेंट, कौन जानता है कि तुम कहाँ गए। आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस, मेरा तो तुम पर कोई भरोसा ही नहीं है। फॉर ऑल आई नो यू स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, क्योंकि मुझे तो केवल इतना पता है कि तुम फर्श पर सोए हुए थे। जैक इंडिगेंटली, थोड़े से क्रोध से, आई डिडंट, आई स्लेप्ट ऑन द, यानी वो मना करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मैं तो बिस्तर पर सोया हुआ था। तो इस पर वार्षिक कहता है कि सिटिंग ऑन द सोफा, बिस्तर पर बैठते हुए, हु केयर्स वेयर यू स्लेप्ट, हु केयर्स, कौन परवाह करता है कि तुम कहाँ सोए। What does it matter if he mentions the a perfect disgrace? ये केवल एक पूर्ण रूपेण अपमान की बात है। तो इस पर मिसेज वार्थिक कहती हैं, What a silence! I insist on knowing. I insist, मैं जोर देती हूँ on knowing, जानने पर।